हम भारत के लोग तीन स्तरों यानी स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। केंद्रीय स्तर पर ये चुनाव लोकसभा सदस्य के रूप में होता है। इसी क्रम में 17वीं लोकसभा का आम चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक संपन्न हुआ और इसकी मतगणना 23 मई को हुई। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 543 लोकसभा सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया। लोकसभा सदस्यों को जनगण के मन की आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है कि किसी भी संसदीय क्षेत्र के विकास एवं जनहित के कार्य को धरातल पर उतारने में सांसदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक विशेष बात और, 17वीं लोकसभा देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा है जो दो दो भवनों से संचालित हुई। 2019 से 2023 तक पुराने भवन में, जिसे अब संविधान सदन के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात 28 मई 2023 की तिथि ने संसदीय लोकतंत्र में इतिहास बनाया, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिकता, विरासत एवं संस्कृति को स्वयं में सहेजे नवीन संसद भवन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। पिछले 5 वर्षों में विकास के पैरामीटर पर संसदीय क्षेत्रों की कितनी बदली है तस्वीर दिखाने के लिए जनगण मन के इस अंक में आपको लिए चलते हैं मिर्जापुर। विंध्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ मिर्जापुर जनपद अनुप्रिया पटेल जी के सांसद बनने के बाद विकास के नित नए आयाम लिखते हुए दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, जिसकी विकास की गाथा पूरे भारत में फैल रही है। सड़क, स्वास्थ्य, रेलवे हो या शिक्षा, हर दिशा में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। माननीय सांसद जी के प्रयासों का परिणाम है कि मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में नए उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हुए और कुछ निर्माण की प्रक्रिया में है। इंजीनियरिंग कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय में पठन पाठन शुरू होने के साथ ही मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन और केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पूर्व में मिर्जापुर मंडल में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं, आज इस क्षेत्र में विंध्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इसके निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र के निवासियों का यह स्वप्न साकार होने की राह पर है। मिर्जापुर को तकनीकी हब बनाने की दिशा में इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक और ITI जैसे संस्थान एक ही कैंपस में स्थापित होने की सराहनीय प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन फिलहाल सोनभद्र में हो रहा है। तकनीकी शिक्षा के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य अनुप्रिया पटेल जी ने इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा की बढ़ोतरी के लिए भी अभूतपूर्व काम किए। मिर्जापुर के पीपरा डांड गांव में मां विंध्यवासिनी स्वायत्त शासी राज्य महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। इस महाविद्यालय में MBBS की कक्षाएं संचालित भी होने लगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और अतिरिक्त स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण की दिशा में सार्थक कार्य हुआ। हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में
एमबीबीएस के 100 स्टूडेंट प्रत्येक वर्ष आते हैं, जैसा कि एनएमसी गाइडलाइन से हमको भारत सरकार से यहाँ पर अलाटमेंट हुआ है। 3 बैच हमारे यहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, चौथे बैच लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और ये हमारा चिकित्सीय जो महाविद्यालय है, इसी में अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भारत सरकार के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होने जा रही है हमारे बगल में, और उसका छात्रावास भी बनने जा रहा है। अभी इस मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथ करने के लिए चिकित्सीय कार्य हमारा होता है मंडल चिकित्सालय में, इस कॉलेज को बढ़ाने के लिए और यहाँ का चिकित्सीय कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन एवं हमारी माननीय सांसद एवं मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मरीजों के लिए हित में जानी चाहिए, उसके लिए पूरी तरीके से सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। लोहदी खुर्द गांव में 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस हॉस्पिटल के निर्माण हो जाने पर मिर्जापुर निवासियों को अपने ही क्षेत्र में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ यहां के निवासियों को प्राप्त होगा। जिला अस्पताल के कैंपस में ही एमसीएच विंग 100 बेड के साथ कार्यशील। पहले जो मरीज बेहतर इलाज के लिए वाराणसी जाने पर मजबूर थे, उन्हें अपने ही शहर में इस अस्पताल के खोले जाने से सुविधाएं मिल रही हैं। ये चिकित्सालय एनएचएम द्वारा एक प्रोजेक्ट पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट पर संचालित है, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है। गर्भवती महिलाओं का लोड देखते हुए ये एनएचएम द्वारा ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था हर करीब सभी जनपदों में, जिसमें एक 100 बेड का अस्पताल गवर्नमेंट द्वारा बना के हर जिला महिला चिकित्सालय कैंपस में बनाया गया था, जो कि पीपीपी मोड पर लोगों को बिट किया गया था। यहाँ का हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी द्वारा संचालित हो रहा है। इसमें हम लोग का ये रेफरल सेंटर है, जो बीएचसी सीएचसी से रेफर होकर महिला चिकित्सालय में जो गर्भवती महिलाएं और बच्चे आते हैं, उनको अगर वहां से उनके उसके ऊपर रेफर होता है, तो सब लास्ट में हमारे यहाँ जो पहले बीएचयू और इलाहाबाद में जाया करते थे, वो अब मेरे यहाँ पर इस चिकित्सालय में आके अपना वो इलाज कराते हैं, जिससे जो 90% जो बाहर जाने की स्थिति आती थी वो चीज़ बच गई है। यहीं बेहतर इलाज और मुफ्त सुविधाएं इनको यहाँ दी जाती थी। यह चिकित्सालय 29 जनवरी 2019 में माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो उस वक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री रही थी, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया था, और वो आज की दिन में काफ़ी ये बेहतर यहाँ सेवाएं मिल रही हैं। यहाँ 24 घंटे अनवरत सारे महिला डॉक्टर, कंसल्टेंट और स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहते हैं, और यहाँ 24 घंटे सेवाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की दिशा में ट्रामा सेंटर और 13 बेड की डायलिसिस यूनिट की स्थापना मिर्जापुर वासियों के लिए वरदान बनकर आई है, जहां दूर दूर से आने वाले मरीजों का इलाज होता है। डायलिसिस सेंटर खोले जाने और मुफ्त इलाज से मरीज खुश हैं। पहले उन्हें डायलिसिस के लिए वाराणसी या प्रयागराज जाना पड़ता था। मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ, विंध्याचल से आता हूँ। पहले करीब 3 साल करीब हो गया, और इलाहाबाद बनारस रहते थे तो दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इस डायलिसिस सेंटर खुल जाने से हम लोगों को काफ़ी आराम है और सुविधा भी मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे नज़दीक का नज़दीक है, हम लोगों का खर्चा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है।
अपने क्षेत्र के लोगों के रोजगार सृजन के लिए सांसद जी के नेतृत्व में अनुकरणीय काम हुए। कुम्हारों को बड़े पैमाने पर मोटर चालित चाक उपलब्ध कराए, स्थानीय किसानों को उत्पाद का एक बड़ा बाजार मिलने के साथ ही साथ एक बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए मिर्जापुर जिले में निर्यात संवर्धन केंद्र की स्थापना की दिशा में कार्य चल रहा है। इसके पूर्ण होने पर किसानों को अनाज, फल, सब्जी, दूध, हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगरों को एक अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल पाए। डगमगपुर में IOCL के टर्मिनल की स्थापना का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इस टर्मिनल की स्थापना से लोगों को रोजगार मिलेगा और समृद्धि भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज व स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के साथ ही रेलवे स्टेशन भी कायाकल्प होने की दिशा में अग्रसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना में मिर्जापुर, विंध्याचल और चुनार के स्टेशन को शामिल करके यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही। स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज, VIP लाउंज जैसी तमाम सुविधाएं लोक हितैषी जन प्रतिनिधि के कार्य को दर्शाते हैं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के दूसरे निकास द्वार के निर्माण से सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज से आने वाले यात्रियों के लिए सहूलत हुई। इस द्वार पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, टिकट वेंडिंग मशीन, एस्केलेटर और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिर्जापुर में रेलवे उपरिगामी पुल, अंडरपास, फ्लाईओवर का निर्माण भी हुआ। कुछ ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण हो चुका है और कुछ का निर्माण चल रहा है। कुंडाडीह करहट रेलवे ओवरब्रिज, कुंडाडीह करहट फ्लाईओवर, जिगना फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दशकों से अधूरे गंगा सेतु पर बालू घाट का पुल बहुत समय से लंबित था। 2014 के बाद ही इस पुल का निर्माण पूर्ण कराया गया। गौपुरा गांव में क्रॉसिंग के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जारी है। बेल नदी पर कोटा घाट पुल, सुसुड़वा नाले का पुल और बेल नदी पर बिलवन गांव में पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है। बिलवन गांव का पुल गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। 20 से 25 गांवों के लिए नदी को पार करके जाने का यह पुल एक मात्र साधन है। ब्रिज बना अनुप्रिया पटेल के माध्यम से, नहीं तो ये मतलब कि यहाँ रेल पर से आते थे बरसा बारिश में, सब मतलब बहुत लोग कट जाते थे, कम से कम मोटरसाइकिल और सब लेकर आते थे सब लोग इस पर ब्रिज पर से, कम से कम हर साल कम कम 10 आदमी तो कटने कटना था रेल ब्रिज पर से। और ये बन गया जब से ब्रिज, तब से मतलब बहुत राहत हो गया, कम से कम यहाँ से 25 गांव का निकास हुआ है इस रास्ते से। सिंधौरा गांव में गंगा नदी के ऊपर पीपा पुल के निर्माण का कार्य भी जारी है। हाँ बोल रहे हैं, सिंधौरा गांव है, बहन जी बड़ी बढ़िया भात किया है पुल का, बुरी जनते लोग के खुशी है, हम लोग के भी सब जनते लोग के खुशी है। बहन जी के हम देन है दे दिया, बहन जी बोले कि हम पुल देंगे तो देंगे, अब बहन जी पुल देख रहे हैं, बड़ी बढ़िया बन रहा है, सब जनते लोग बढ़िया बन रहा है, सब लोग भाई बिंद लोग बहन भाई लोग सब लोग कीजिए। मंदिर स्थल को सुगम्य बनाने के लिए अष्टभुजा मंदिर और काहली खो मंदिर को जोड़ने के लिए PPP मॉडल पर रोपवे का निर्माण किया जा चुका है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। सड़कों का वृहद स्तर पर नेटवर्क विकसित हुआ, NH-35 और NH-7 का चौड़ीकरण हुआ। आज माननीय सांसद जी के नेतृत्व में मिर्जापुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखे जाने के लिए
तमाम कार्य हो रहे हैं। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनवाए जा रहे हैं। भारत की मानक रेखा जिस स्थान से गुजरती है उसे एक पर्यटकों के हिसाब से सेल्फी पॉइंट का रूप दिया गया। ऐतिहासिक चुनार के किले का भी सौंदर्यकरण किया गया है। आज शहर के प्रमुख चौराहों पर देश के किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति लगाई गई है और इस चौराहे का नामकरण भी उसी महापुरुष के नाम पर किया गया है। कोई अटल चौराहा है तो कोई सरदार पटेल चौक। सड़क के किनारे हॉस्पिटल और बस स्टैंड पर लोगों को छाप में बैठने के लिए शेल्टर लगवाए गए हैं। शहर का गंदा पानी सीधा नदी में ना मिले इसके लिए अमृत योजना के अंतर्गत 7 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवाया गया है, जिससे निकला हुआ साफ जल नदी में छोड़ा जाता है। गांव-गांव स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र खोले जा रहे हैं। रोशन प्रदेश, उत्तर प्रदेश। धार्मिक स्थलों में विश्व प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहले तंग गलियों से होकर जाना पड़ता था। मंदिर तक जाने के लिए विंध्य कॉरिडोर का निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर श्रद्धालुओं के आने जाने में सहूलियत होगी, साथ ही साथ मंदिर परिसर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। सड़के पहले गलियां थी, ज़्यादा भीड़ हो जाने पर गलियों में बड़ा दिक्कत हो जाता था। गलियाँ चौड़ी हुई हैं, यात्रियों को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा निजात मिला है। मंदिर भी बड़ा कर दिए और ज़्यादा भीड़ हो जाने पर मंदिर बड़ी दिक्कत होती थी, अब वो तो सहूलियत हो गया है। अब थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है, वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा लेट्रिन बाथरूम का इस समय काम चल रहा है सरकारी, वो भी बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और दुकानदारों का थोड़ा आय बढ़ा है, पहले भीड़ कम आती थी, कॉरिडोर बनने के बाद थोड़ा भीड़ बढ़ा है पहले से, कंप्लीट हो जाने पे पूरा और बढ़ेगा। माँ विंध्यवासिनी में हुए विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से यहाँ पे काफ़ी भक्तगण प्रभावित होते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ही खुशी का अनुभव भी प्राप्त होता है। बहुत ही लोग यहाँ पे, बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, देश विदेशों से यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी का धाम दर्शन करने आते हैं। यह कॉरिडोर जो आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, उनका ये पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट है। माँ विंध्यवासिनी विंध्य कॉरिडोर के नाम से ये जाना जाता है और यहाँ के सुंदरीकरण के वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त जो है कि यहाँ पे माँ का कॉरिडोर देख के बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे माँ विंध्यवासिनी के धाम में आए हुए सभी श्रद्धालु जो है सुख समृद्धि का पारण प्राप्त करते हैं। क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति होती रहे, इसके लिए माननीय सांसद जी के सांसद निधि से सोलर पावर उपलब्ध कराया गया।
मिर्जापुर शहर के विजयपुर ग्राम सभा में 75 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाने का यह एक बड़ा प्रयास है, जो लगभग संपूर्ण जिले की बिजली सप्लाई के लिए पर्याप्त है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में भी मिर्जापुर सांसद जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना राजकीय पौधशाला में की जा रही है। इसकी स्थापना पूरी होने के उपरांत ऐसे किसान जिनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं और जो अपने उत्पाद को ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं, उन्हें काफी मदद मिलेगी। इस सेंटर पर किसान कच्चा माल लेकर आएंगे और प्रोसेस करके टोमेटो केचप सरसों का तेल निकालकर अपना ब्रांड बनाकर बेच सकेंगे। जिले में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण का भी प्रस्ताव विकास खंड पटेहरा की देवरी कला गांव में है। इसके स्थापित हो जाने पर कृषकों को प्रशिक्षण और पौध सामग्री प्राप्त हो सकेगी। और पिछले 4 साल से मैं ड्रैगन फ्रूट खेती कर रहा हूँ जो है, और 2 साल तो कुछ ज़्यादा इनकम नहीं हुआ, लेकिन 3रे साल से इनकम होने हुआ है। अब मैं 14-15 लाख रुपए के आसपास का इसमें ड्रैगन फ्रूट बेच लेता हूँ। और मैं आधुनिक खेती इस्तेमाल करता हूँ, जिससे ड्रिप है और मल्चिंग है, इसका इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे पास में आधे एकड़ के एरिया में पॉली हाउस भी है, और मैं आधा एकड़ इसका स्ट्रॉबेरी खेती करता हूँ ड्रिप मल्चिंग हिसाब से, और केले खेती करता हूँ जो है। तो इस आधुनिक खेती से मुझे काफ़ी फायदा हो रहा है जो है, और सरकार द्वारा भी मैं कुछ प्रोत्साहन मिल जाता है, जिससे हमें आसानी होती है अपना मार्केटिंग करने में और विपणन में, इससे मुझे काफ़ी फायदा होता है। सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए नारायणपुर पंप कैनाल की क्षमता में वृद्धि की गई। इससे जिले की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई। पटिहटा पंप नहर में पंप लगाकर सिंचाई की सुविधा बढ़ाई गई। इससे आसपास के खेतों में हरियाली छा गई। लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और जनता का प्रतिनिधि है सांसद। और सांसद जब लोकप्रिय और जनप्रेमी हो तो बड़ी से बड़ी समस्या जनता की हल हो जाती है। सांसद जी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकास की नई इबारतें लिखता जा रहा है।